हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीधर भारद्वाज और मेरे साथ पानी आनंद सर हैं जो कि आज तक डिजिटल के एडिटर हैं। सर, गुजरात इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन जीतने वाले हैं? गुजरात इलेक्शन में कौन जीतेगा ये तो फैसला लोग कर चुके हैं, ईवीएम्स में है, 18 तारीख को सामने आ जाएगा कि कौन जीत रहा है। लोग कोशिश करते हैं ये समझने की कि किन वजहों से चुनाव तय हुआ होगा, किन वजहों से कोई जीतेगा, किन वजहों से कोई हारेगा। गुजरात के विधानसभा चुनावों को पिछले 3 विधानसभा चुनावों से मैं देख रहा हूँ और जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। उसकी जो एक प्रमुख वजह है वो ये है कि 22 साल की सरकार वहाँ पे हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे है, लोगों में गुस्सा है। ये गुस्सा पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी था लेकिन इतना मुखर नहीं था, इतना पर्सनल नहीं था, इतना अटैकिंग नहीं था। इस बार वो गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है और कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में बहुत ही कमज़ोर पार्टी के तौर पर वहाँ पर रही, जिसके पास चेहरे की कमी रही, जिसके पास एक तरह के नैरेटिव में उलझाने की और एक तरह की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी को ले जाने की कमी रही। इस बार वो संकट नहीं था, इस बार बहुत ही जवाबी दवाई जैसी स्थिति थी। तो मुझे लगता है कि गुजरात के लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा अगर वोट में कन्वर्ट होगा तो फैसला कुछ और होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर यथावत स्थिति बनी रहेगी। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जैसे पहले जो चुनाव लड़े जाती थी वो विकास एक मुद्दा कहीं ना कहीं इससे पूरा हटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब गुजरात इलेक्शंस या पिछले भी इलेक्शन 2014 के इलेक्शन में मोदी जी बहुत बात किया है कि गुजरात मतलब काले धन ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो जिससे लोगों को आस बंधा और वो लोग उन्हें वोट दिए। लेकिन अब यहाँ 22 साल सरकार में होने के बावजूद ये मुद्दा है ही नहीं। तो नहीं, ये मुद्दा है, यही मुद्दा है। मैं कहूँगा आपको कि आप इसे इस तरह से देखिए कि यही मुद्दा है। अगर तो लोग पाकिस्तान और सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह की चीज़ों पे और हमने ये किया, हमने वो किया और धर्म और मंदिर बनेंगे कि मस्जिद बनेगी, इस तरह की चीज़ों पे वोट करेंगे तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान है। लेकिन अगर लोग वाकई विकास पे वोट करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं से लगता है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस चुनाव में विकास के मुद्दे पे बात करने से थोड़ा सा बचती रही है। बिल्कुल, कांग्रेस ने एक ही चीज़ बहुत खूबसूरत की कि इस पूरे चुनाव में वो सांप्रदायिक और तमाम सारे और नारों में उलझे नहीं, बार बार स्थानीय मुद्दों को और विकास के सवाल को ही बार बार उन्होंने केंद्र में रखने की कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहे। तो मुझे लगता है कि गुजरात का जो जनादेश है वो विकास पे जनादेश है दोनों तरह से, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो उसका मतलब है कि विकास की के से जो असहमति और उसके प्रति जो डिसअपॉइंटमेंट और जिस तरह से उसको एक्सपोज करने की कोशिश अपने पूरे रिटोरिक में कांग्रेस पार्टी ने की है, ये लोग उससे सहमत हैं और उसे मानते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो लोग नरेंद्र मोदी और उनके बाद के मुख्यमंत्रियों के, जो भारतीय जनता पार्टी के और चेहरे वहाँ पे रहे, उनके विकास के मॉडल से सहमत हैं और उसको करी फॉरवर्ड करते, वोट इज ऑन विकास एक्चुअली। सर, एक और सवाल मेरा राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर है। बहुत सवाल उठते आए, पहले भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही गई है, लेकिन इस चुनाव में मैंने उन्हें खुद फॉलो किया तो कुछ मेजॉरिटी मुझे लगी। तो ये इन फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं राहुल गांधी को एज अ प्रेसिडेंट? आप नॉमिनेट हो चुके हैं, मेजॉरिटी के कई ग्लिम्स इसके पहले भी उनसे ऐसे रिफ्लेक्शंस आए, लेकिन इस बार पहली बार वो थोड़ा सा चुनाव भर सस्टेन किया और ऐसा नहीं था कि वो बिल्डअप हो गया लेकिन लास्ट मिनट में उसमें कुछ ब्लंडर हो गए हों, बल्कि जो ब्लंडर्स भी हुए उनको उन्होंने बहुत स्मार्टली हैंडल किया। मणिशंकर अय्यर का पूरा इसका एक एग्जांपल है। तो राहुल गांधी बदले बदले नज़र आ रहे हैं और राहुल के साथ संकट ये भी है कि राहुल की जब आलोचना होती थी तो उन दिनों मोदी जी की बहुत तारीफ होती थी, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी की तारीफ का फीवर कम हो रहा है वैसे वैसे राहुल की आलोचना का भी फीवर कम हो रहा है। तो ये सीसॉ का जो खेल होता है उस तरह से है कि यू विल रीच चेयर एंड द अदर पर्सन विल बी ऑन द ग्राउंड, बट आफ्टर अ पॉइंट यू विल स्टार्ट रीचिंग टू द सेम लेवल्स एंड दिस इज हाउ द सेकंड पर्सन गोज़। तो अब इसमें कितना समय लगेगा ये कैसे होगा, लेकिन
राहुल गांधी की छवि उनके बारे में लोगों की धारणा बदली है। और इसलिए मैं एक बात आपसे कहूंगा कि गुजरात का चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ से तय हो गई कि राहुल गांधी के एक्सेप्टेंस की शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी बहुत खूबसूरत चीज़ ये हुई है कि 2019 का चुनाव केवल नारों का नहीं मुद्दों का चुनाव होगा। ये मोमेंटम राहुल गांधी ने गुजरात इलेक्शन से सेट कर दिया है और अगले एक साल सरकार को इस सवाल से जूझना पड़ेगा। राहुल गांधी जब जब खड़े होंगे वो 2019 के लिए केंद्र सरकार को घेरेंगे और केंद्र सरकार को उनका जवाब देना पड़ेगा। एक और चीज़ है जो मतलब एज ए मोदी को लिया जाता है कि मोदी एक सिंगल पर्सन है, उनके कैबिनेट में उतने काबिल मंत्रियां नहीं है जो कैलिबर के वो हैं और वो अकेले पूरे मंत्रालय को चलाते हैं। सेम चीज़ हम लोग इंदिरा गांधी के साथ बातें करते थे, राजीव गांधी की भी बात होती है तो वही चीज़ बोली जाती है। तो ये चीज़ें मतलब राजीव के साथ संकट नहीं था, इंदिरा गांधी के लिए थोड़ा सा कहा जाता है कि वो सेंट्रलाइज तरीके से काम करना पसंद करती थी और उनका स्टाइल मोदी जी को बहुत पसंद है तो वो भी उस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धाराएं अलग अलग हैं। इंदिरा गांधी के पास आरएसएस जैसा कोई संगठन नहीं था जो पैरेलल कानून चलाने की और एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन अपने दिमाग में लेके चलने की और उस तरह से बिहेव करने की कोशिशें करे, जबकि मोदी जी के साथ वो एक संकट रहता है। तो वो एक चीज़ है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि वो बहुत ही लीनियर कंपैरिजन है नहीं इनके बीच का। सही ये जी।